सूर्या नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। आप तमाम लोगों को बता दें कि इस समय मैं तोंदवा में मौजूद हूं और तोंदवा में हॉट एंड चिल्ली की तरफ से एक बेकरी की शॉप जो है वो खोली हुई है और आप तमाम लोग जो है यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बेकरी आपको चाहिए वो यहाँ पर जो है आपको मिलेगी। तमाम विजुअल्स में जो है आप देख पा रहे होंगे कि खुद डीडीसी यहाँ पर आए थे, साथ में वाइस डीडीसी चेयरपर्सन भी जो है उनके साथ में मौजूद थे। यहाँ के ऑनर से भी बातचीत करेंगे और हॉट एंड चिल्ली के पहले दो रेस्टोरेंट है, एक तो तोंदवा में ही है और दूसरा राणा मॉल के अंदर हॉट एंड चिल्ली की तरफ से रेस्टोरेंट खोला गया था और अब ये तीसरी बेकरी की शॉप यहाँ पर खोली गई है। और चलिए उन्हीं से ही जो है वो बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। ये हमारे साथ में अंग्रेज सिंह रखवाल जी जो है वो मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बात करें तो बीजेपी के युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपको, बहुत बहुत मुबारक, क्या कुछ कहेंगे। राजकुमार जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप हमेशा ही हमारी सराज की आवाज हैं और हमारे जो भी कोई डेवलपमेंटल काम हो या कोई हमारा यूथ जो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आप हमेशा ही इंकरेज करते हैं, उनको हमेशा ही आप कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आज जो ये नया एक स्टार्टअप हमारे युवा एक यूथ ने जो शुरू किया है, मैं उनके बारे में बात करूं तो मेरी भाई और यहाँ पे बैठे हुए हैं नरेश परिहार जी, मुझे इनके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रांड है डोडा में। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि आज से दो ढाई साल पहले इन्होंने हॉट एंड चिली का ये रेस्टोरेंट यहाँ खोला था और मैं कहूँ ये मेरे ऐसे भांजा भी लगेंगे, मुझे मेरी कजन सिस्टर है, उनके बेटा भी है ये। तो जब ये इन्होंने यहाँ ये काम शुरू किया था तो तब हमें भी कहीं ये डर था कि आपका ये काम यहाँ पे अच्छा चलेगा या ना चलेगा, जब दो ढाई साल पहले। लेकिन आप यकीन करें कि दो ढाई साल पहले इन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद कस्टमर को अपनी तरफ इतना झुकाव दिया, इतना अपना जो इन्होंने इनका खिलाने का पिलाने का बनाने का जो इतना अच्छा सेटअप रहा, जिससे ये मैं बताऊं आपको कि ठीक एक डेढ़ साल के बाद इन्होंने दूसरा अपना जो हॉट एंड चिली के नाम से दूसरी ब्रांच इन्होंने अपने राणा माल में खोली जो थर्ड फ्लोर में वहां पे है, वो भी एक बहुत बड़ा इनका वहां पे काम चल रहा है। और मैं आज आपके चैनल से लोगों तक ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज इनकी हॉट एंड चिली के नाम से साथ में ही एक बेकरी की जो शॉप है इन्होंने खोली है, जो खास बात है डोडा के लिए प्योर वेजिटेरियन। सबसे जो बड़ी बात है प्योर वेज चीज मिलना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये हमारी खूबसूरती है डोडा की। यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं और जो भाईचारा यहाँ पे है उस तरीके से ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग जुड़ के एक अपना काम करते हैं और जहाँ पे इनकी सर्कुलर रोड पे इनका जो एड्रेस है वहाँ पे इन्होंने अपने बिल्कुल जो इनका रेस्टोरेंट पहले उसके साथ में इन्होंने बेकरी खोली है। और मैं कहूंगा कि जिसमें आज हमारे डीडीसी चेयरमैन श्री धनंतर सिंह कोतवाल जी अपने बिजी शेड्यूल में जो रात को जम्मू में थे उनके साथ संपर्क हुआ और वो सुबह वहां से यहाँ पहुंचे और उनके साथ साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन हमारी संगीता भगत जी, उसके साथ साथ में यूथ के हमारे किशन चंदेल जी उनके साथ रहे। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी यहाँ पे आके उन्होंने हमारे इस बच्चे को ब्लेसिंग दी और इनको आने वाले वक्त में आगे फ्यूचर की कामयाबियों के लिए धन्यवाद दिया। चेयरमैन सब ने भी कहा कि गवर्नमेंट जो आज है किसी न किसी तरीके से हर आदमी को चाहती है कि वो आगे आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यूथ को इस तरीके से प्रेरित किया है इन कामों को करने के लिए। तो ये आज का इनका जो फिर से मैं कहूंगा आपको कि इन्होंने जो आज अपना ये कारोबार शुरू किया है जो तीसरा इनका कारोबार है हॉट एंड चिली बेकरी के नाम से, मैं ऊपर वाले से ये उनके चरणों में विनती करूंगा प्रभु श्री राम जी के चरणों में कि इनका जो ये कारोबार है ये जैसे इनका पहले जो दो रेस्टोरेंट चल रहे हैं ये कारोबार भी आसमान और बुलंदियों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स नरेश जी से भी दो जो है वो बातें करने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, आज के समय में बहुत सारे लोग जो है वो शुरू करना काम चाहते हैं लेकिन उन्हें भी जो है वो डर रहता है, जैसे अभी अंग्रेज जी ने कहा कि उन्हें रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए, चीजें फ्लॉप ना हो जाए। आपने कैसे संभाल के रखा और कहा एक एक से दो से अब तीस तक क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही बात कहूँगा कि जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना लोकेशन देखनी है यहाँ पे कौन सी चीज है जो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला तो मेरे को देख के दूसरा लड़का भी यहाँ पे आके रेस्टोरेंट खोला तो नहीं चल सकता है। आपको देखना है कि इस अब मार्केट में कौन सी
चीज की जरूरत है, हम उस चीज को करेंगे तो जरूर सफल हो सकता है। बेकरी को लेकर और इस पूरे एरिया में बेकरी है, क्या सोचा आपने, कैसे सर्वे किया और फिर यहाँ पर आज जो है आपके नहीं, एक्चुअली मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें प्योर वेज, तो मार्केट में प्योर वेजिटेरियन किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। दो दिन बेकरीज हैं जो वेज प्योर वेज बनाते हैं, बट हमारा कस्टमर के ऊपर विश्वास है, भरोसा हमको कि प्योर वेज काम करते हैं। हमारे दो रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, जैसे मामा शिवलिंग ने बताया कि हमारा अच्छा सेटअप है, अच्छा काम है, और सपोर्ट भी ऐसा नहीं कि खाली शोशा है या कुछ भी है, काम भी अच्छा है और लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारे साथ, तब जाके हमारा ये सिस्टम चल रहा है। बेकरी को लेकर यही सवाल आते हैं क्या सर, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कचौरी कभी अंडे की लेप के बिना जो है वो नहीं बनती है, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रेड या पन होते हैं जिनके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या यहाँ पर बिल्कुल जो है वो शुद्ध रहेगा? 100% चला तुझे सारे भी जंग सौ सौ पता लगी जब रोपू की कॉलेज ने आज पल वो चीज कॉलेज ने हॉट एंड चिली रेस्टोरेंट शो, और इससे पहले भी बहुत सारी चाहे बर्थडे पार्टीज की बात करें, कहीं आपका प्रोग्राम है वहाँ से यहाँ से जितना भी सामान जो आप लेना चाहें तो बिल्कुल जो हॉट एंड चिली के साथ है वो संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है यहाँ पर भी हॉल मिलेगा, और खासकर जो है आपको राना हॉल के अंदर जो हॉट एंड चिली का रेस्टोरेंट है वहाँ पर पूरा एक सेटअप जो है वो रखा हुआ है कि आपको कोई भी पार्टी किसी प्रकार की करनी है तो आप वहाँ पर जो है मिनी पार्टी कर सकते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी साहब भी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे युवा जो है अपनी अलग अलग प्रणाली खोल रहे हैं जहां से उन्हें कमाने का सूत्र जो है हो पाए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या कुछ कहोगे कि जिस तरीके से युवा जो है अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं और कमाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा इस जो हमारा तोंदुआ इलाका है डोडा का, यहाँ पे ये जो इन्होंने पहले रेस्टोरेंट खोला था और उसके बाद बेकरी का काम यहाँ पे खोला है, और जो मैंने पता किया कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत थी, और क्योंकि नरेश जी काफ़ी बिजनेस में महारत रखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनका, तो इन्होंने प्रॉपर इसको हैमर किया है कि जो लोगों की डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए, और दूसरा अपने से कुछ एक और नौजवानों को रोज़गार देने का काम भी ये साथ साथ में कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो मोदी जी का नारा है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयड की वो जो है उसको अब बदल के जो है जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो नौजवान हैं उनको एनकरेज किया जाए, उसके लिए बहुत सारी स्कीमें मोदी सरकार द्वारा निकाली गई हैं। मुझे लगता है कि इनको भी उसका लाभ लेते हुए अपना ये कार्य जो है इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई हो, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा हो, मुझे लगता है कि जो इनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से इनका रेस्टोरेंट बड़ा सक्सेस में चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो बेकरी का एक जो हर घर की डिमांड है और हर घर को चाहिए होता है तो उसको भी ये फुलफिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से इनकी साफ सफाई है, अच्छा अंदर वर्कशॉप है, तो मुझे लगता है कि ये और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी ये सर्विस मिलेगी। आपने फास्ट फूड भी जो है वो चखा, कैसी लगी आइटम्स आपको? दरअसल मैं इनके फास्ट फूड में पहले भी एक दो बार आया हूँ, यहाँ पे कोई भी दुकान का इनॉग्रेशन होता है तो इसी दुकान में यहाँ पे फास्ट फूड का खाना होता है, तो बहुत ही क्लास का है इनका, ये कोई आज की बात नहीं है, हमने पहले भी जब यहाँ पर आए हैं तो बड़े क्लास का इनका प्रेजेंटेशन है, बड़ा हाइजीनिक है, और जितनी भी इसकी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ वो कम। मुझे देख सकते हैं छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ में सिमरी जी, इससे भी बात करेंगे क्योंकि काफी एक्टिव मुझे बातें करने में लगी। सिमरी जी क्या कहो, कितने खुश हो आप कि आज जो है आपने इसी दुकान पर? आपकी दुकान पे क्या कहोगे लोगों? हमारी दुकान पे जो मिल सकता है आप खा सकते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, और आप तमाम लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, और जिनको भी प्योर वेज चाहे बेकरी चाहिए या फास्ट फूड चाहिए वो यहाँ पर जो है वो आके ले सकते हैं और यहाँ सर पूरा आनंद जो है वो उठा सकते हैं। राजकुमार को इजाजत, बने रहे टियालार के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब, जिंदाबाद।